वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी बहुत ही खुशी की बात हो रही है। अभी मैं बस स्टैंड में हूँ, पुराना बस स्टैंड है ये, और मैं यहीं पे हूँ। 92 करोड़ के लागत से ये बस स्टैंड बनने जा रहा है, वही मैं आपको कवरेज करके दिखलाने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे जो हालात है, अभी बदतर हालात है यहाँ पर का, वही मैं कवरेज करके आपको दिखलाने जा रहा हूँ। दिल्ली मोड़ से सटा हुआ ये बस स्टैंड है, यही वो बस स्टैंड है जिसका जो बदतर हालत है वो मैं आपको कवरेज करके दिखला रहा हूँ। देखिए, ये पानी ही पानी है, यहाँ पे गड्ढा है, ये भैंस है, भैंस इसमें नहाती है बस स्टैंड में। इसका ये बुरा हाल है कि हर जगह पानी पानी आपको मिलेगा। ये बस स्टैंड नहीं, पानी स्टैंड है। आप भी देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये सही बात है, पानी स्टैंड। यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे मुसाफिर लोग बैठते हैं और बस पकड़ने के इंतजार में रहते हैं। पटना जाने वाले यात्री पटना के लिए सरकारी गाड़ी, सुरक्षित गाड़ी, कम समय कम किराया की गाड़ी खड़ी है। जिन यात्रियों को यहाँ से चलकर मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, राजेंद्र नगर, पटना रेलवे जंक्शन, पटना इनकम टैक्स, पटना गोलघर जंक्शन, गांधी मैदान के लिए, जिन यात्रियों को सरकारी गाड़ी से, कम समय कम किराया की गाड़ी से मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, राजेंद्र नगर, पटना रेलवे। और हमने कुछ ड्राइवर से भी मैंने बात किया तो ड्राइवर ने यही कहा कि ये आज की बात नहीं, एक ज़माने की बात है। जो हम लोग यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं तो कभी टायर फटता है तो कभी सॉकर टूटता है। देख रहे हैं ये पानी है, यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, ड्राइवर लोग भी परेशान हैं। हमने उनसे कहा कि अब बहुत जल्द बनने वाला है, उन्होंने कहा ये सब गलत बात है, बनने उनने नहीं जा रहा है। और ये छोटी गाड़ी जाते हुए देख रहे हैं किस तरह हिचकोला खा रही है ये गाड़ी। देखिए देखिए किस तरह ये हिचकोला खा रही है। वाकई बहुत ज़्यादा गड्ढा यहाँ पे, अभी तो पानी कम है, बरसात में ज़्यादा होता है। 92 करोड़ की लागत से ये बनने जा रहा है दिल्ली मोड़ बस स्टैंड। और मैं बता दूँ आपको कि 6.2 एकड़ में दिल्ली मोड़ पर बनेगा नया बस स्टैंड, और इसमें लग्जरी भी रहेगा, लग्जरी बस स्टैंड बनने जा रहा है। और इसमें लिफ्ट का भी इसमें रखा गया है इंतज़ाम, ताकि ऊपर नीचे 4 मंजिल बनेगा, 4 मंजिला बनेगा, इसीलिए लिफ्ट का भी इसमें जुगाड़ किया गया है। मॉडर्न लुक से बनेगा ये, और तमाम सुविधाओं से लैस रहेगा नया बस स्टैंड। एयरपोर्ट जैसा आपको लगेगा, बिल्कुल लगेगा कि मैं एयरपोर्ट में आ गया हूँ, ऐसा बनने जा रहा है। चलो अच्छी बात है, बन जाए, मगर जो हालात है अभी मुझे जो नज़र आ रहा है वो नहीं लग रहा है कि कभी बने। हाँ, बन जाए बेस्ट है। 4 मंजिल भवन होगा, 4 मंजिल। चलिए भैया किसी तरह से बन जाए, लगे कि हम एयरपोर्ट आए हुए यहाँ पर। अगर एयरपोर्ट से भी ये बहुत नज़दीक होगा, और हमारे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दें प्लीज़, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे आगे की ओर ले जाएगा। और हमारा मेहनत है ये कि मैं आपको ऐसा ही चीज़ सब दिखलाऊं जो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें। और यहाँ पे खाने पीने के लिए होटल भी है, जैसे मैं दिखला रहा हूँ, और यहाँ पे सारी दुकानें यहाँ पे खुली हुई है खाने पीने के लिए। और यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है, मैं आपको पूरा राउंड करके दिखला रहा हूँ। अभी मैं बस के छत पे खड़ा होकर मैं राउंड में ले रहा हूँ। वाकई 6.2 एकड़ जो यहाँ पे ज़मीन है वो मुझे नज़र आ रहा है कि सही में है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो हमें दूर से नज़र आ रहा है, बहुत दूर तक है। यहाँ पे खाने पीने का भी सुविधा है बस स्टैंड में, मगर ये बहुत बुरा हाल में ये बस स्टैंड। बस दुआ है कि जल्दी से बन जाए ताकि फैसिलिटी सबको मिले, हमें भी मिले। हमें भी बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के लिए बस खुलती है। आपको यहाँ भूटान, नेपाल, फिर यहाँ आपको बहुत सारा बिहार में जितना जगह वहाँ जाता है। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, अब मैं अपने घर की तरफ।
और ये दिल्ली मोड़ से मैं निकल रहा हूँ धीरे धीरे। यही दिल्ली मोड़ जो आप लोग सुनते हो आज मैं वीडियो के द्वारा देख रहा हूँ।